नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूं तने और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट राइडिंग गियर्स। सो मोटरसाइकिल बाइक राइडिंग का जिनको भी इंटरेस्ट है, जिनको भी शौक है, उनको एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए कि जितना इंपॉर्टेंट बाइक राइडिंग है और जितना मज़ा बाइक राइडिंग में आता है, उतना ही हमको प्रायोरिटी और उतना ही ध्यान हमें राइडिंग गियर्स पे भी देना चाहिए। तो राइडिंग गियर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी सेफ्टी के लिए, हमको बचा सकते हैं अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस में। तो इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं राइडिंग गियर के बारे में, उनके प्राइस के बारे में, कहाँ से आपको राइडिंग गियर मिल सकते हैं एंड कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा राइडिंग गियर आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से परफेक्ट है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं, हम ऊपर से नीचे जाएंगे, ऊपर से नीचे फ्लो करेंगे। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हेलमेट से। सो जहाँ पे मोटरसाइकिल ध्यान में आता है तो सबसे पहले हम राइडर्स के माइंड में आता है हेलमेट। सो एक अच्छा हेलमेट होना बहुत ज़रूरी है, अच्छा हेलमेट। सो ये एक हेलमेट है जो मैं यूज़ करता हूँ, ये SMK का हेलमेट है। अच्छा हेलमेट का मतलब ये होता है कि जो अच्छी सेफ्टी दे सके, सेम टाइप पे आपको कंफर्टेबल हो। तो ये जो हेलमेट है मेरा, ये ECE सर्टिफाइड है, ECE मतलब यूरोपियन सर्टिफाइड है, डॉट जो US की सर्टिफिकेशन है वो भी हो तो और अच्छा है, बट यूरोपियन सर्टिफिकेशन बहुत अच्छी सर्टिफिकेशन है ओवरऑल वर्ल्ड में। तो इंश्योर करिए कि ECE सर्टिफाइड एटलीस्ट हो हेलमेट, और हेलमेट का वेट भी कम हो, अंडर 1500 ग्राम या मैक्सिमम 1500 ग्राम हो, ताकि आप कंफर्टेबल रहें जब आप चला सकें। हेलमेट में अलग अलग टाइप के हेलमेट आते हैं, एडवेंचर के लिए अलग टाइप का हेलमेट आता है, अगर आप स्पोर्ट्स बाइक चलाते हैं जैसे हायाबूसा या कावासाकी तो उसके लिए अलग हेलमेट आते हैं, जैसे AGV ब्रांड है वो सब। एंड जो आप नॉर्मल बाइक चलाते हैं सिटी में या अगर आप क्रूजर चलाते हैं तो उसके लिए एक अलग टाइप के हेलमेट आता है। आपके राइडिंग स्टाइल के हिसाब से आपको जो हेलमेट अच्छा लगे वो आप सिलेक्ट करिए। देन नेक्स्ट एक काम की चीज़ जो है वो जो राइडर्स को बहुत यूजफुल है वो है एक इंटरकॉम सिस्टम या ब्लूटूथ सिस्टम। सो मैं ये इंटरकॉम यूज़ करता हूँ एंड ये हेलमेट पर माउंट हो जाता है। सो इससे क्या होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि आप जो आपके साथ राइडर्स राइड कर रहे हैं ग्रुप में तो आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, या अगर आपके साथ कोई पिलियन है तो आप उससे भी बातचीत कर सकते हैं। बिकॉज जब एक स्पीड एक सर्टेन लेवल के आगे निकल जाती है तो विंड की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है, तो हम आपस में बात नहीं कर पाते, आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, तो ये उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। एंड आजकल डिवाइसेस बहुत सस्ते हो गए हैं, 2000 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं ब्लूटूथ डिवाइसेस, और अगर आप इंटरकॉम डिवाइस देख रहे हैं तो अराउंड 4-5000 के रेंज से आजकल स्टार्ट हो जाता है, तो काफ़ी अफोर्डेबल हो गया आज के डेट में। सो एक अच्छा इंटरकॉम या ब्लूटूथ सिस्टम आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, आपकी राइड को कन्वीनियंट बना सकते हैं। सो नेक्स्ट हम नीचे आते हैं, तो हेलमेट हो गया, ब्लूटूथ या इंटरकॉम हो गया, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एक राइडिंग जैकेट। सो ये है मेरा राइडिंग जैकेट जो मैं यूज़ करता हूँ राइड्स पे। अगर आपने मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं पहले के, तो पहले के वीडियोस देखिए, उसमें आपने देखा होगा मुझे राइडिंग जैकेट पहनते हुए। सो राइडिंग जैकेट भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग होते हैं। लेवल 1 राइडिंग जैकेट आता है, लेवल 2 राइडिंग जैकेट आता है। लेवल 1 राइडिंग जैकेट आप सिटी यूज़ में ले सकते हैं। सो बेसिकली लेवल 1 लेवल 2 क्या होता है, ये जो लेवल सर्टिफिकेशन होता है ये प्रोटेक्टर्स का सर्टिफिकेशन होता है। एंड बहुत लोग को ये नहीं पता कि यार एक 5000 का जैकेट आता है, एक 10000 का आता है, एक 15000 का आता है, 20000 का आता है, क्यों इतना प्राइस फ्लक्चुएशन है। बहुत सारे खाली ब्रांड्स की वजह से आते हैं, बट आपको जो ध्यान देना है वो ये ध्यान देना है कि कहाँ कहाँ पे प्रोटेक्टर्स दिए हुए हैं जैकेट में। सो जो जो पॉइंट जहाँ जहाँ पे आपको प्रोटेक्टर्स दिए गए होने चाहिए वो होते हैं आपके शोल्डर, आपके एल्बोज पे होना चाहिए, बैक पे होना चाहिए, एंड चेस्ट पे भी आजकल आते हैं प्रोटेक्टर्स। तो वो वाला आप जैकेट लीजिए जिसमें सफिशिएंट सेफ्टी हो एंड एब्रेशन रेजिस्टेंस भी हो। एब्रेशन रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि जब हम गिर जाते हैं तो हम थोड़ा स्लाइड होते हैं रोड पे, तो स्लाइड हो तो टेयर ना हो एंड हमारी स्किन को भी टेयर होने से प्रिवेंट करें। अब आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी आप राइडिंग जैकेट परचेज कर रहे हैं तो ब्रांड के साथ साथ आपको ये ध्यान देना है कि देखिए जो ब्रांड होता है, जैसे कि अगर कोई भी ब्रांड है जैसे DSG का ब्रांड है, तो DSG वालों ने प्रोटेक्टर नहीं बनाया है, इसके अंदर जो प्रोटेक्टर लगाया है वो हमको देखना है कौन सा प्रोटेक्टर है। सो इजीली प्रोटेक्टर बाहर आ जाता है एंड प्रोटेक्टर को आप निकाल के देखिए कि कौन सा प्रोटेक्टर है। सो इसमें जो प्रोटेक्टर है वो है सैस्टेक लेवल 2 प्रोटेक्टर, जो कि वर्ल्ड का एक सबसे बेस्ट प्रोटेक्टर है। तो आप इंश्योर करिए कि जो प्रोटेक्टर्स आपके जैकेट में है वो अच्छे क्वालिटी के लगे हुए हैं, बिकॉज प्रोटेक्टर्स ही आपको इम्पैक्ट के टाइम पे आपका इम्पैक्ट कम करेंगे एंड जो एनर्जी होती है उसको एब्जॉर्ब करेंगे एंड आपके फिजिकल बॉडी को डैमेज करने से प्रिवेंट करेंगे। सो इंश्योर करिए कि अच्छे प्रोटेक्टर्स हो आपके जैकेट के अंदर। बैक पे भी देखिए, बहुत सारे जैकेट्स आते हैं जहाँ पे खाली फोम दिया रहता है या थर्मल कॉल टाइप का मटेरियल यूज़ किया होता है, वो नहीं, आप प्रेस करके देखिए, इसको प्रेस करके देखिए कि एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है कि नहीं। अगर एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो एक अच्छा जैकेट है, एक अच्छा प्रोटेक्टर है।
सो अच्छी अच्छी कंपनीज हैं जैसे सैस्टेक है, D3O है, ये एक दो तीन रेप्यूटेड ब्रांड्स हैं, नॉक्स है, ये सारे प्रोटेक्टर्स अच्छे प्रोटेक्टर्स हैं, तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जैकेट में भी बहुत अलग अलग टाइप के जैकेट्स आते हैं, जैसे ऑल वेदर या ऑल सीजन जैकेट होता है, वो जैकेट प्रेफर करिए आप पहनने के लिए, बिकॉज इसमें क्या होता है पूरा पूरे बॉडी में मैच दिया हुआ है सो दैट एयर फ्लो अच्छी होती रहती है। एंड जैकेट के साथ आपको एक थर्मल लाइनर भी मिलेगा बहुत सारे जैकेट्स में, जो कि आप ठंडी के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं या आप कोल्ड प्लेसेस पर ट्रैवल कर रहे हैं तो तब यूज़ कर सकते हैं। एंड बहुत सारे जैकेट में एक रेन लाइनर भी आता है, तो ये दो लाइनर्स आप इंश्योर करिए जब आप जैकेट ले रहे हैं तो साथ में आए, बिकॉज ये आपको राइडिंग में काफ़ी हेल्पफुल होगा। जैसे मुंबई जैसे क्लाइमेट में 3-4 महीने साल में बारिश होती है तो उस टाइम पर रेन लाइनर जो है वो बहुत काम आता है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। तो आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है राइडिंग गियर की वो है ग्लव्स। सो मेरे ये ग्लव्स है जो मैं यूज़ करता हूँ, ये एस्पिडा के ग्लव्स हैं एंड ये लेदर ग्लव्स है, सो मैं आपको पहन के दिखाता हूँ। सो लेदर ग्लव्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, सबसे ज़्यादा कम्फर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, बहुत कम्फर्टेबल होते हैं, अच्छा ग्रिप देते हैं जब आप बाइक को चलाते हैं, हैवी बाइक से अगर 200 किलो या 200 किलो प्लस, सो आपको लेदर ग्लव्स बहुत अच्छा ग्रिप देंगे। आजकल ग्लव्स में भी बहुत सारे फीचर्स आते हैं, आप इंश्योर करिए कि पाम स्लाइडर दिया हो या पाम स्लाइडर नहीं है तो पाम के यहाँ पे अच्छा प्रोटेक्शन दिया गया हो, बिकॉज हम जब फॉल होते हैं तो नीचे हमारा हार्ड टच होता है, हार्ड टच होए तो ये ना हो कि हमारा जो स्किन है वो टेयर ऑफ हो जाए या हमारे जो हाथ है उसको झटका लगे या हमारी बोन क्रैक हो जाए, तो पाम स्लाइडर्स होंगे तो एनर्जी एब्जॉर्प्शन अच्छा हो जाएगा या पाम के यहाँ पे कोई प्रोटेक्टर्स दिए होंगे तो अच्छा हो जाएगा। दूसरा चीज़ आपको इंश्योर करना है कि नकल प्रोटेक्टर्स दिए गए हों, सो नकल प्रोटेक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिंगर पे प्रोटेक्शन हो तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। एंड जो नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो है वेंटिलेशन, बिकॉज अगर वेंटिलेशन अच्छा होगा तो आपको लॉन्ग जर्नी में भी कंफर्टेबल होगा एंड कंफर्टेबली आप आपकी राइडिंग एंजॉय कर सकते हैं। तो ग्लव्स के बाद जो चीज़ आती है वो है हमारा नी पैड्स या राइडिंग पैंट्स। सो मैं जो यूज़ करता हूँ, मैं राइडिंग पैंट्स यूज़ करता हूँ, मैं नी पैड्स नहीं यूज़ करता हूँ। पहले मैं इनिशियली नी पैड्स यूज़ करता था, देन मैंने स्विच कर दिया राइडिंग पैंट्स पे, बिकॉज राइडिंग पैंट में बहुत ज़्यादा आपको प्रोटेक्शन मिलता है रादर देन नी पैड्स। बट अगर आप सिटी राइड कर रहे हैं या नॉर्मल राइड कर रहे हैं आसपास में तो आप नी पैड भी यूज़ कर सकते हैं। राइडिंग पैंट्स में ये खासियत होती है कि आपके नी के यहाँ पे प्रोटेक्टर्स दिए गए होते हैं, अगेन आपको चेक करना है कि इसमें लेवल 2 प्रोटेक्टर्स दिए गए हों और एक रेप्यूटेड ब्रांड का प्रोटेक्टर दिया गया हो जो आपको इम्पैक्ट के टाइम पे हेल्प कर सके एंड एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके। राइडिंग पैंट में जो मैं आपको बता रहा था कि एक नी के यहाँ पे प्रोटेक्टर दिए गए होते हैं और एक आपके जो वेस्ट है जो आपके हिप के साइड में है, साइड में प्रोटेक्टर दिए गए होते हैं, बिकॉज हम साइड में गिरते हैं तो साइड में हम जब गिरेंगे तो हमको साइड में वो बचा लेगा एंड डैमेज होने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा। सो इंश्योर कीजिए कि एक अच्छी राइडिंग पैंट आप पहने। राइडिंग पैंट बहुत कंफर्टेबल भी होती है, बहुत लोगों को लगता है कि नहीं यार कंफर्टेबल नहीं होगी, मज़ा नहीं आएगा चलाने में, ऐसा कोई बात नहीं है। कंफर्टेबल राइडिंग पैंट देखें, राइडिंग पैंट को आप पहन के ट्राई करें एंड देन जो आपको कंफर्टेबल लगे वो आप परचेज करो। सो इस तरीके से आप कंफर्ट भी आपकी मेंटेन कर सकते हैं। देन जो नेक्स्ट चीज़ है वो भी बहुत काम की चीज़ है हम राइडर्स के लिए एंड वो आता है एक टैंक बैग। सो मैं एक छोटा टैंक बैग हमेशा अपने राइडिंग गियर के साथ कैरी करता हूँ। छोटा टैंक बैग से ये होता है कि आपका जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं होता है। टैंक बैग में भी अलग अलग टाइप के टैंक बैग आते हैं, मैग्नेटिक या नॉन मैग्नेटिक। तो आपका अगर मोटरसाइकिल का टैंक मेटालिक है तो आप मैग्नेट वाला टैंक ले सकते हैं, नॉन मेटालिक आपका टैंक है, फाइबर का टैंक है तो आप नॉन मैग्नेटिक टैंक बैग ले सकते हैं। टैंक बैग यूज़ करना भी अच्छा होता है बिकॉज उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, हमारे काम के डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, वॉलेट आ जाता है, एक पानी की बॉटल आ सकती है, कुछ स्नैक्स आ सकते हैं, सो बहुत सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं एंड राइडिंग हमारा कंफर्टेबल हो जाता है। सो टैंक बैग हमारी लाइफ को, हमारे राइडर्स की लाइफ को थोड़ा इजी बना देता है। सो आ जाते हैं हमारे लास्ट पार्ट पे, जो लास्ट चीज़ है राइडिंग गियर की जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है राइडिंग बूट्स। सो ये है राइडिंग बूट्स ओराजो के। सो अगर आप देख सकते हैं एक राइडिंग बूट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है राइडिंग गियर में, बिकॉज ये नीचे का जो सोल है ये बहुत अच्छा ग्रिप देता है जब हम राइड करते हैं। आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टील टो दिया हुआ है ताकि आपके पैर को डैमेज ना हो, एंकल प्रोटेक्टर्स दिए गए हैं दोनों साइड पे ताकि एंकल प्रोटेक्टेड रहे। एंड ये क्या होता है कि जब अगर आपका फॉल हो तो आपके आपके एंकल या आपके पैर को ट्विस्ट होने से बचाता है ताकि फ्रैक्चर्स ना हो पाए। तो
एक राइडिंग बूट पहनना, मैं ये नहीं बोल रहा कि प्रॉपर बड़े वाले आप राइडिंग बूट पहनो, बट एक नॉर्मल बेसिक एटलीस्ट राइडिंग बूट पहनना बहुत जरूरी है। एंड ये जो राइडिंग बूट है इसमें वेलक्रो दिया गया है, तो लेस नहीं है कि आपको बहुत टेंशन है पहनने में, बहुत इजी एंड कन्वीनियंट। जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने बताए हैं मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि ये सब प्रोडक्ट्स आप कहाँ से परचेज कर सकते हैं, एंड आपकी रिस्पेक्टिव सिटीज में भी राइडिंग गियर की शॉप्स होंगी, तो वहाँ से भी आप नियर बाय स्टोर में जाके ट्राई करिए, एंड जो भी आपको राइडिंग गियर कम्फर्टेबल लगता है एंड जो आपके बजट में आता है वो राइडिंग गियर को प्रेफर करिए, एंड राइडिंग गियर जरूर यूज़ करिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है रिगार्डिंग राइडिंग गियर्स, तो नीचे आप कमेंट कर दीजिए आपके क्वेरीज, मैं ट्राई करूंगा आपके सारे क्वेरीज को आंसर करने के लिए। एंड अगर आपके कोई सजेशंस है या कोई एडवाइस है तो आप नीचे कमेंट करिए। सो आई एम श्योर गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसे वीडियोस के बारे में मालूम पड़ता रहे। एंड ये वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, एंड आपके सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए वीडियो, ताकि आपके सारे फ्रेंड्स सेफ रह पाए। सी यू सून गाइज़।